पहले कच्चा होया करता था जब ढोए करते, आज पक्का सब कुछ है तो आज भी दो रोटी की लड़ाई है। किसी सरकारों ने किसी ने भी इनको गुलामी से निकाला ही नहीं है कि मैं भी थारा भला नहीं कर सका तो कोई नहीं करेगा, तो हमारा भला कौन करेगा? मतलब जिस जाति से जो आएगा वो अपनी जाति का ही भला करेगा, वाल्मीकि जाति से का भला करेगा कौन? खाली पैर धोने से और ये करने से तो भला नहीं होगा, भला तो करने से ही होगा। जैसे 34 में करा है 2 लाख, मालूम हरियाणा में भी कर दो, राजस्थान में भी कर दो, पंजाब में भी कर दो। अगर परिवार बाद नहीं है तो परिवार हमें मान ले, हमें मान के परिवार में कहीं जगह हिस्सेदारी दे दे भाई, जब जो इनके हैं उन तो मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, अपनी बात करेंगे। आज आपके बेटे का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? बधाई देना चाहती हूँ अपने बेटे ने, भगवान की लंबी उम्र करे और कामयाब हो और आगे बढ़े। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से आपके साथ और एक बार फिर से सुल्तान वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद हैं और आज देश आज़ादी का दिवस मना रहा है, लेकिन ऐसे में इस देश में एक जाति है वाल्मीकि। क्या वाल्मीकि जाति अपनी आज़ादी का दिवस मनाएगी कभी? क्या आपको लगता है? आइए जानते हैं सुल्तान वाल्मीकि जी से। क्या कहेंगे सर, आज देश आज़ादी का दिवस मना रहा है तो आपको लगता है क्या वाल्मीकि जाति आज़ाद हुई है अभी भी? पहले तो मैं सबको जय वाल्मीकि, जय भीम। पत्रकार महोदय जी, आपको पूरे विश्व में सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और आज भगवान वाल्मीकि की कृपा से मेरा जन्मदिन भी है, तो इस परमात्मा की कृपा से सब देशवासियों को अपने जन्मदिन की भी और 15 अगस्त की भी बहुत बहुत बधाई। आप पत्रकार बिंदुओं को भी बधाई हो। दिन समय निकलता जाएगा और ये चीज़ें सब चलेंगी। वाल्मीकि समाज को कभी कुछ नहीं मिला, बड़ी गरीब जाति में से भी गरीब जाति है, बिछड़ों में भी बिछड़े हैं, वंचित में भी वंचित हैं, और किसी समय पे ये दो रोटी के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने सिर पे मैला तक ढोया, जो आज भी ढो रहे हैं। पहले कच्चा होया करता था जब ढोए करते, आज पक्का सब कुछ है तो आज भी दो रोटी की लड़ाई है। किसी सरकारों ने किसी ने भी इनको गुलामी से निकाला ही नहीं है। आप दिल्ली की देख लो, दिल्ली से ही सारा सिस्टम देख लो चलता है, वहाँ पे भी ठेकेदारी, यहाँ भी ठेकेदारी, बंधे हुए हैं आज भी गुलाम। जो 6 बजे ड्यूटी पे जाएगा वो उनके बच्चे पहली बात तो कहाँ पढ़ेंगे, ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ। मोदी जी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने वाल्मीकि मंदिर में सफाई अभियान चलाया, झाड़ू लगाई, तो देश में सब नहीं, सब ऐसा कोई क्रिकेटर ना हो, ऐसा कोई फिल्म स्टार ना हो, ऐसा कोई जिसके हाथ में झाड़ू ना हो, जिसने देश में सफाई का। कोरोना काल में सैनिक कोरोना वॉरियर बने आप लोग, हाँ जी, तो देश में नाम तो बड़े बड़े आपको दिए गए ना, आप अभी देश के प्रधानमंत्री जी, आपका आप अच्छा काम करते हैं, आपके पैर धो दिए जाते हैं। कोविड में हजारों कोरोना वॉरियर की, सफाई कर्मियों की जान गई है कोविड के दौरान, उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया, उनको कोरोना वॉरियर दे दिया नाम, और लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाएं, फूल मालाएं भी बरसाई, कई जगह ऐसे सीन जो है ऐसी कि तमाम वीडियो वायरल हुई, लेकिन हक अधिकार के नाम पे आज भी जीरो है। क्या कहना चाहूँगा विकास जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अभी बताया ना, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के पैर धोए, वाल्मीकि मंदिर में आके सफाई अभियान झाड़ू लगाई, और 370 के तहत 34 धारा जो 34 है, जो 2 लाख वाल्मीकि, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, इसके लिए हम सलूट करते हैं। कभी किसी सरकार ने देखा नहीं, अगर ये देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा ये है कि आप अगर इनको देख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लें, इस ठेकेदारी प्रथा से, गुलामी से निकाल दें मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, खट्टर जी से, बीजेपी से, आरएसएस से, लोगों से, विश्व हिंदू परिषद से, हम सब ये कहते हैं वाल्मीकि समाज कि अगर हमारी तरफ देख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा देख लो, इनको गुलामी से निकाल लो, तो ये हमेशा आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। 9 साल में आपने देखा है, साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको? नहीं लगता है जितने भी आपके राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो संविधान में है, लेकिन संविधान जो है वाल्मीकि कम्युनिटी पढ़ना नहीं चाहती है? देखो सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहला है
कोई माने ना माने, धर्म होता है और धर्म को हम भगवान वाली को मानने वाले हैं। बात आती है कर्म की, तो बाबा साहब वाल्मीकि है, हम ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है, बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को हमारे लोग मानते हैं जब भी पढ़ लिख के आगे बढ़े और हम भी मानते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बाबा साहब को माने हम और बेनिफिट ले कोई और, ये गलत है भाई। पढ़ाई में समाज को बेनिफिट नहीं मिला कभी भी बाबा साहब के नाम से। हमारे लोग जानते हैं भाई, बाबा साहब को मानते भी हैं। लेकिन सुल्तान जी, सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि आप लोग दिल्ली में बताए जाते हैं 35-40 लाख हैं, गुड़गांव में आप लोगों की ज़्यादा संख्या है, उधर अगर आप NCR में और जो देखें तो NCR में भी आप लोग खासे मजबूत हैं, और ठेकेदारी का जो प्रहार लगातार, जो ठेकेदारी का हथौड़ा चल रहा है आप लोगों के ऊपर, उस ठेकेदारी के खिलाफ आप लोग खड़े क्यों नहीं होते हैं? देखो, खड़े हुए खूब धरने प्रदर्शन हुए हैं, CM साहब से भी, हुड्डा सरकार में 2400 आदमी अपने लगे थे कांग्रेस सरकार में, जब हमने धरना प्रदर्शन करा था, और अभी BJP सरकार में हमने CM साहब से, कट्टर साहब से, कृष्ण बेदी के माध्यम से भी, सारी यूनियनों के माध्यम से भी, अपने समाज के माध्यम से भी, जैसे हमारे अफेक्ट थे हमने जाकर नहीं बात रखी है, हमारी बात सुनी तो जाती है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी कोई मानता नहीं है। कृष्ण बेदी जी ने भी हमारी बात रखी है पर CM जी के तो जू चलती नहीं ना, वाल्मीकि समाज का नाम अच्छी तो उछल के पड़ते हैं, बताना क्यों, समाज तो सारे एक है ना भाई, राजा तो सब बिरादरी के लिए, जो राजा होगा उसके लिए सारी प्रजा एक होगी, 36 बिरादरी एक होगी, असली राजा सच्चा राजा वो होता है, ये ना हो कि जाति देख के भेदभाव करे, वो कोई राजा राजा नहीं है। जैसे पिछली सरकार में इसने हुड्डा ने करा था, हुड्डा सरकार में, कि भाई सारा फायदा किस जाति को दिया किस जाति को नहीं, ये सबको पता है कि मैं भी थारा भला नहीं कर सका तो कोई नहीं करेगा, तो हमारा भला कौन करेगा? मतलब जिस जाति से जो आएगा वो अपनी जाति का ही भला करेगा, वाल्मीकि जाति से कब भला करेगा कौन? तो वो सवाल भी वही है ना कि राजनीतिक रूप से आप लोग कहाँ संगठित हैं, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, और आप जैसे तमाम नेता हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं तो फिर जो समाज है उनका साथ नहीं देता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाज साथ देता है, समाज नहीं होता तो हम 30 साल से जो आज छोटी से बड़ी प्रधानी पे हैं, कहीं भी समाज में मान सम्मान, समाज से ही हम, समाज के तो हम चरणों की धूल है, समाज ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। सड़कों पर तो नजर नहीं आता आता है, लेकिन दो वक्त की रोटी अगर आदमी, एक बात बताओ ना, जब आदमी उलझा ही दो वक्त की रोटी में, दो वक्त की रोटी में आप मीडिया पत्रकार हैं, दो वक्त की रोटी में उलझाएंगे तो पत्रकारी छोड़ देंगे भाई साहब? जो बच्चे अब हमने अपने बच्चे पालने तो हमने मजदूरी पहले करनी पड़ेगी पहले, लेकिन क्या है, हड़ताल भी होती है, सारी चीज़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं और हमारी घर घर मुहिम में हम 272 गांवों का दौरा कर चुके हैं, लेवल में तो हम किसी से कम नहीं है, मेहनत मजदूरी करके खाने वाला आदमी है, लेकिन जो हक हिस्सेदारी की है ना बात वो आ जाती है, नहीं तो कोई समाज हमें सम्मान देता है हमारे सम्मान लेता है, हमारे पास सारी बिरादरी आती है, हम भी सब बिरादरी के पास जाते हैं, सब हमें सम्मान देते हैं, सब हमारे से सम्मान लेते हैं, ये तो हाथ को आते हैं, जो सम्मान देगा सम्मान लेगा। बात जब हिस्सेदारी की आती है ना, राजनीति की हिस्सेदारी की, जब कहीं कोई नहीं दिखाई देता तो फिर बराबरी वाली बात कहाँ भाई, हमारी हिस्सेदारी है कहाँ? 4 विधानसभाएं देख लो आप, वाल्मीकि समाज से तो किसी को कोई सी पार्टी टिकट नहीं देती, जबकि वोट तो सारी पार्टी लेती है, 9 साल से तो BJP ले रही है, कहाँ हमारा विधायक बना दिया है, एक कृष्ण बेदी को छोड़कर कौन बनाया बताओ? अगर बनाया विशंबर बनाया तो मंत्री नहीं बनाया, इधर वो होटल से वो बना रखा है, मंत्री तो कोई नहीं भाई, समाज को कुछ दोगे ही नहीं आप और समाज से लेते रहोगे तो इनकी मनसा गलत है ना। आजादी के लगातार आप देखते हैं कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी है उसने लगातार राज किया है इस देश पे, उसके बाद फिर BJP आती है, तो क्या लगता है दो पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो है समस्या किस पार्टी ने आपकी सुनी और किसने ज़्यादा सॉल्व की है, और कौन सी पार्टी का दौर जो है सबसे अच्छा रहा है आपके लिए? देखो, हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से हम सुनते आ रहे थे, हमने जब सुना है तो हमने सुना कि गरीबों के लिए इंदिरा गांधी बड़ी अच्छी थी, इंदिरा गांधी हमारी दादी दादा जो बताते थे जब सुनते थे, जब तो बच्चे थे हम, देख इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी का मतलब सरकार कांग्रेस हुई, तो हमारी कहीं मानता सुनवाई हुई है तो कांग्रेस सरकार में कभी हुई है,
इंदिरा गांधी जी को शहीद, राजीव गांधी जी को शहीद, इनके परिवार ने कुर्बानी दी है, इन्होंने गरीबों की तरफ देखा भी है। आज उसी आधार को हम देखते हैं कि भाई किसी समय पे इंदिरा गांधी का इतना नाम था, उन्होंने गरीबों को देखा जब भी नाम था। आज मोदी जी भी गरीबों को देख रहे हैं, ये नहीं कि नहीं देख रहे, हम उसी रूप में देख रहे हैं कि भाई कभी उनका नाम था आज मोदी जी का, तो मोदी जी भला कर दे वाल्मीकि समाज का, भाई मोदी जी आप ही भला कर दो वाल्मीकि समाज का, खाली पैर धोने से और ये करने से तो भला नहीं होगा, भला तो करने से ही होगा। जैसे 34 में करा है 2 लाख वालों, हरियाणा में भी कर दो, राजस्थान में भी कर दो, पंजाब में भी कर दो, दिल्ली आपके पास नहीं, दिल्ली में भी कर सकते हो, सेंटर में बैठे हो आप। अगर आप यहाँ हरियाणा में राजस्थान में अगर इन वाल्मीकि समाज की करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हटा के बीजेपी सरकार बन जाएगी झाड़ू के निशान पे। जब देखेंगे भाई समाज देखेगा हमारा भला करा है बीजेपी ने, तो क्या दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी ऐसी है जो स्वयं में इस देश में कुछ नहीं है, इतनी बड़ी तादाद होते हुए। आपकी बात बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं विकास जी आप, तादाद है, समझ है, लेकिन पीछे रह जाते हैं हम, किसी के पीछे लग के, किसी के पीछे लग के पीछे रह जाते हैं। जब हम चलते हैं जब तो बराबर चलते हैं, आप हमारे भाई हो हमारे साथ लगो, जब लेने की बारी आ जाती है हिस्सेदारी की तो फिर वो भाई आगे है और हम पीछे हैं, ये समस्या है। अच्छा, मोदी जी ने आज अपने भाषणों में कहा है कि भ्रष्टाचार और परिवार, देखो जी बीजेपी में परिवारवाद तो कैसे कह देंगे, एक गांव से एक हमारे शहर से ही कोई MLA बनता मंत्री बन जाता है तो चाचा भातीजे भाणजे ये सब मंत्री बन जाते हैं, एक MLA बन गया तो सब MLA बन गए, ये तो है। अब अमित शाह जी का बेटा BSCC का देख लो आप, BCCI का, राजनाथ जी का बेटा विधायक नीरज पंकज विधायक हैं, तो कौन नहीं परिवारवाद में कौन नहीं, ठीक है जी। योगी जी संत हैं, साधु संत हैं, खट्टर साहब, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं, तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार भी है, सारी चीजें हैं, हर सरकार में होती है। हम तो एक बात कहेंगे पत्रकार जी, हम किसी से ना कुछ कहते हो, हम ये कहते हैं परिवार मोदी जी हमें मान ले, अगर परिवार बाद नहीं है तो परिवार हमें मान ले, हमें मान के परिवार में कहीं जगह हिस्सेदारी दे दे भाई, जब जो इनके हैं वो तो मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, अपनी बात करेंगे भाई, सरकार हमें क्या दे रही है, हमसे तो लिया ही है ना आज तक, हमने किसी सरकार से कुछ नहीं मिला, हमें तो इससे उम्मीद है भाई दे दोगे अच्छा रहेगा। क्या है वाल्मीकि 24 में ये है, अगर ये 24 में हमारी बातें मान लेते हैं, ठेकेदारी पर तो हमारा पहला पहला जो है ना जो सीवर में है, जो पहला है हमारा 2 रोटी की लड़ाई है। अगर ये ठेकेदारी प्रथा से नहीं करते हैं ना, तो हमने जैसे 2014 में घर घर जाके नहीं प्रचार करा था, हमारी भगवान की कृपा से टीम है, बहुत मजबूत टीम है, हमारी बात चली रही है। फिर हम सारे हरियाणा में बिगुल बजा देंगे अगर इन्होंने हमारे पर ध्यान नहीं दिया तो, और हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे इन गरीब आदमियों को गुलामी से निकाल दो, ठेकेदारी प्रथा से निकाल दो, उसके बाद और ये निकालनी है। कौशल विकास लिया है, कौशल विकास में हमारा भला थोड़ी है, आप 15,000-16,000 में एक आदमी को मतलब गुलाम को गुलामी से निकाल कर और गुलामी में डाल रहे हो, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए सर को। दोस्तों, ये सुल्तान वाल्मीकि जी थे, आज़ादी की आज वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी आज भी अपने असमंजस में है कि वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों तक वो लगातार कांग्रेस में रही, अब वर्तमान में BJP में लगातार वो रह रही है। और ऐसा नहीं है कि इस कम्युनिटी में, इस जाति में अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी भी हैं और लगातार अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, फुल्ले पेरियार की विचारधारा को लगातार वो समाज में बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स हैं इस जाति में, आज़ादी के इतने साल बाद भी उन हर्डल्स को पार करना इस जाति के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं जितने भी हर्डल्स हैं वो राजनीति के ताले के, जब राजनीति का ताला
जब ये वाल्मीकि कम्युनिटी खोलेगी तो कहीं ना कहीं वो हर्डल्स भी उनके गायब हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि राजनीति वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया, और आपको सुल्तान वाल्मीकि जी की तमाम बातें कैसे लगी अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। और सुल्तान वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ।